ये हैं करण प्रसाद और मैं हूं कोयल करण प्रसाद प्रसाद। ये क्या बोल रहे हैं? ये वो बताना चाहते हैं कि करण और कोयल एक दूसरे के पति पत्नी हैं। नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। हम करण की पत्नी है। ये करण ये क्या करें आप? अब कहिए ना इनसे। ये सच है आभा जी, करण और कोयल की शादी हो चुकी है। अब ये पति पत्नी है। तुम्हें पता नहीं आ ही रहा था क्या पता नहीं आ रहे थे शादी। सच कह रहे हैं? क्या ये सच कह रहे हैं? करण हमें आया ना, हमें जवाब दीजिए करण। हर बात का जवाब आना नहीं होता। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ। हमें आया ना, हमें जवाब दीजिए। नहीं होंगे, हमसे एक बार कह कर तो देखते हैं। करण,
हम अपनी बर्बादी सजा रहे हैं। अब नहीं करण, बस आपको आपकी नई जिंदगी, नई पत्नी मुबारक। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी जिंदगी भर का दर्द देने के बाद भी मुझसे इतना प्यार करती है, तुम्हें फिर भी मेरी चिंता है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। भैया, वो करण ने मेरी बीमारी और ऑपरेशन की बात को सच मानकर उन पेपर्स पर साइन तो कर दिए, लेकिन अगर वो फिर से मुझे छोड़कर चला गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी भैया। हम नहीं बदले करण, आप बदल गए हैं। हमारे दिल में आपके लिए प्यार उतना ही रहेगा जितना हमेशा से था। भले ही आप हमें अपनी जिंदगी का हिस्सा माने या ना माने, जिंदगी का हिस्सा अब तुम मेरी जिंदगी का कोई हिस्सा नहीं हो, तुम मेरी जिंदगी हो अब। यू माय लाइफ। मैंने जिंदगी का एक पल नहीं सोचा है तुम्हारे बगैर अब। मैंने कभी ये नहीं माना कि हमें कोई अलग कर सकता है आभा, और यही कारण है कि मैं मौत से लड़कर अपनी आभा के पास आया हूं। आभा, क्योंकि मैं हमेशा ये मानता हूं कि सिर्फ तुम आभा करण प्रसाद हो, और तुम ही आभा करण प्रसाद रहोगी। बस नहीं करण, नहीं। आज आपके इस कदम ने हमेशा के लिए हमारा नाम आपसे अलग कर दिया है। कैसे करण, कैसे हमारे होते हुए आप कैसे किसी और से शादी कर सकते हैं? क्यों? अब मैं मजबूर था। मैं कभी ये नहीं चाहता था। प्लीज, मैं हमेशा से चाहता था कि हम साथ रहे, और मैं आज भी यही चाहता हूँ। आभा करण सिर्फ आभा का है, यकीन करो मेरा। यकीन माने कर, आप तो हमारा विश्वास हो। जब तक आपने खुद अपने मुंह से नहीं कहा कि आपने अपने कोयल से शादी कर ली, हमने यकीन नहीं किया। हम तो अब भी यही चाहते करण, आप हमेशा की तरह कह दीजिए कि आप मजाक कर रहे थे, ये सच नहीं है। आप मजाक कर रहे थे ना? ये सच,
रणछोड़ से शादी करी। पर हमने रणछोड़ से मजबूरी में शादी करी। मैं भी मजबूर था। पर हमने ये सब अपनों की खुशी के लिए शादी की। सबकी खुशी के लिए किया जिन्हें तुम अपना मानती हो। आभा स्वर्ण भवन के लिए किया ये मैंने। आभा हमारे परिवार के लिए ये किया मैंने। कोयल और मैं यूएस में साथ में पढ़ा करते थे। हम दोस्त थे आभा, लेकिन कोयल को मुझसे प्यार हो गया। मैंने उससे कभी प्यार नहीं किया। मैं अपनी पढ़ाई खत्म करके वापस आ गया और मैं उन लोग से कांटेक्ट में भी नहीं था आभा, तब तक जब तक स्वर्ण भवन की नीलामी नहीं हुई। और नीलामी के दिन मुझे राज मिला। राज ने मुझे कोयल की कंडीशन के बारे में बताया। राज ने मुझे बताया कि कोयल के दिल में छेद है और वो बस कुछ ही दिनों के लिए जिंदा है, और ये भी कि वो मुझे आज भी चाहती है, आज भी मुझसे उतना ही प्यार करती है। मरने से पहले वो आखिरी बार अपने आप को मेरी पत्नी के रूप में देखना चाहती है। वो चाहती है कि बस एक दिन के लिए मैं उसका पति बनूं। राज अच्छी तरह जानता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, और मैंने उसे साफ साफ कह दिया था कि मैं इस बात के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा। तब उसने मेरे सामने एक शर्त रखी, एक दिन की शादी के बदले स्वर्ण भवन बचाने की शर्त, अपने परिवार की खुशियां बचाने की शर्त। जरा सोचो आप, मेरी गलती की वजह से फैक्ट्री जल गई, इतना बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो गया, इतना बड़ा कि हमें स्वर्ण भवन बेचने की बारी आ गई। क्या होता अश्मी का फ्यूचर, गुड़िया का फ्यूचर? स्कूल भेजने के पैसे नहीं थे हमारे पास। वीर भैया हमें ही गलत समझने लगे थे। विमल भैया, शैली भाभी, इतनी मुश्किलों के बाद तो वो संभले। मां पापा सब मेरी वजह से सड़क पे आ जाते, और तुम आभा जो दूसरों का भला करने में एक पल नहीं लगाती, अपनी जान न्योछावर करने में, उसे मैं उसके स्वर्ण भवन से कैसे अलग कर देता? मेरे पास और कोई चारा था ही नहीं। एक तरफ एक दोस्त जो बस कुछ ही दिनों की मेहमान है, उसकी आखिरी इच्छा कि वो मेरी पत्नी बने एक दिन के लिए। एक तरफ तुम, मेरा परिवार, मेरी गुड़िया। मैं ये सब कुछ तुम्हें बताना चाहता था आभा, सबसे पहले बताना चाहता था, सब बिगाड़ दिया मैंने। मैंने ये सिर्फ स्वर्ण भवन और अपने परिवार के लिए किया। मैं गुड़िया की कसम खा के कहता हूं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं आभा। मैं नहीं जी सकता तुम्हारे अभी।
आपकी गुड़िया हमेशा आपके साथ है, हमेशा। ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। डॉक्टर ने कहा है कि कोयल की जान को कोई खतरा। हाँ, आज कोयल का ऑपरेशन था। That's impossible. आज तो हॉस्पिटल में कोई ऑपरेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे यहाँ एनेस्थेसिया सिस्टम में खराबी आ गई है, इसलिए ये नहीं हो सकता। वो नर्स ने हमें कहा कि आज कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, क्योंकि एनेस्थेसिया का मशीन खराब है। झूठा ये सब। कोयल सिंघानिया नाम की पेशेंट का आज ऑपरेशन हुआ था। कोयल सिंघानिया नाम की पेशेंट का आज ऑपरेशन हुआ था। हाँ, हुआ तो है। दोबारा चेक कीजिए। मैम, मैंने कहा ना, आज ऑपरेशन हुआ है। जब हमने आपसे पूछा था, आपने कहा हॉस्पिटल में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। आप झूठ कह रही हैं। करण, ये झूठ कह रही हैं। अच्छा ठीक। करण, हम कह रहे हैं, जब हम आए थे, हमने इनसे पूछा था कि ऑपरेशन। राज सिंघानिया एक बहुत ही शातिर आदमी है। अगर वो मजबूर करके मुझसे जबरदस्ती शादी करवा सकता है, तो तुम्हें क्या लगता है वो कुछ नर्स और डॉक्टर्स को खरीद नहीं सकता? हमें यहाँ कोई जवाब नहीं मिलेगा। करण, अब हम करेंगे क्या? वो क्या चाहते क्या है? वो दोनों आपको मजबूर करके जबरदस्ती शादी करवा के वो करना क्या चाहते हैं? ठीक है, चलो यहाँ से। भैया, वो करण ने मेरी बीमारी और ऑपरेशन की बात को सच मानकर उन पेपर्स पर साइन तो कर दिए, लेकिन अगर वो फिर से मुझे छोड़कर चला गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी भैया। मैं करण के बिना नहीं जी सकती। मैं मर जाऊंगी भैया। मैं करण के बिना नहीं जी सकती भैया। मर जाऊंगी। बस करण, अब हमें जल्दी से उज्जैन ले चलिए। हमें यहाँ एक पल भी अच्छा नहीं लग रहा। हाँ अब, लेकिन सच्चाई का पता लगाना जरूरी है। ये जानना ही होगा कि राज और कोयल ने ऑपरेशन का नाटक क्यों किया। जो कुछ भी हो, पर अब आप उनकी बातों में मत आइएगा। अगर उन्होंने स्वर्ण भवन के बदले हमसे हमारी जिंदगी मांग ली, यानी आपको मांग लेंगे, तो हम हरगिज नहीं देंगे। हम गरीबी में जी सकते हैं, लेकिन आपको किसी के सामने बेबस या मजबूर होते नहीं देख सकते। और करण, हम घर पे किसी को इस बारे में नहीं बताएंगे। सबको बहुत दुख पहुंचेगा अगर उन्हें पता चलेगा कि आपने सबकी खुशी के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। करण, बस अब कल सुबह की टिकट ले लीजिए। हमें अपनी गुड़िया के पास जाना है। ठीक है। करण को मैं बार बार तुमसे नाइंसाफी नहीं करने दूंगा। करण को तुमसे कोई नहीं छीनेगा। कोई नहीं। तुम्हें तुम्हारे सारे हक मिलेंगे। तुम जो चाहती हो वही होगा। ये एक बड़े भाई का वादा है। चलो, अब मुझसे एक वादा करो। मैं अपने
बहन के आंखों में आंसू नहीं देख सकता, बिल्कुल रोना नहीं, आंसू नहीं। अब तुम देखो किस तरह मैं करण को हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी में लौटा कर लाता हूं। उसने जो तुम्हारे साथ गलत किया है उसके लिए उसे पूरी जिंदगी तुम्हारा साथ देना ही होगा।